दोस्तों, आज मैं आपको दुर्गा माँ की जादुई साड़ी कहानी सुना रही हूँ। अगर मेरी भी आपकी तरह कोई बड़ी दुकान होती तो आराम कर लेता, लेकिन पटरी पर साड़ी बेचकर कहाँ उतनी कमाई हो पाती है। एक दिन भी छुट्टी कर ली तो घर खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। तभी मोहन के पास कुछ औरतें आई। मोहन भैया, कुछ नई और रंग बिरंगी साड़ियाँ दिखाना। भैया, मुझे भी कुछ बनारसी साड़ी दिखाना। हाँ, ये लो बहन, ये सब नई साड़ी आई हैं, और ये आपकी बनारसी साड़ी, रंग तो देखो कितना प्यारा है। हाँ, ये तो बड़ी सुंदर है। कितने की है ये वाली? हाँ, सिर्फ 200 रुपए। अरे वाह, इतनी सस्ती! तो मेरे लिए 3 पैक कर दो और मेरे लिए 2। अरे ये क्या, सब औरतें उसी के पास साड़ियां लेने जा रही हैं। तभी एक औरत ब्रजपाल की दुकान पर आती है। ये देखो भाई साहब, पिछले हफ्ते आपसे ये साड़ी लेकर गई थी। देखो तो, एक हफ्ते में इसका रंग उतर गया, अब कितनी पुरानी लग रही है। ये पकड़ो अपनी साड़ी और मुझे मेरे पैसे वापस लौटाओ। अब क्या पैसे लौटाओ है? अब क्या 300 की साड़ी सारी उम्र भर चलेगी क्या है? अरे, तुमसे अच्छी साड़ी तो ये पटरी पर बैठे मोहन भाई की होती है। तुमसे सस्ती होती है, फिर भी ना तो उसका रंग निकलता है और चलती भी तुम्हारी साड़ियों से ज्यादा ही है। बहन, तुम भी अब से मोहन भाई से ही साड़ी लिया करो। ठीक कह रही हो बहन, अब से मैं भी इस दुकान से साड़ी लूंगी। मेरी मति मारी गई थी जो इनके पास आ गई। वो औरत भी मोहन की दुकान से ही साड़ी लेती है। ये देखकर ब्रजपाल सोचता है, सभी औरतें इस मोहन की दुकान से साड़ी ले रही हैं। इस बारे में सेठ जी को खबर करनी होगी। शाम तक मोहन की सभी साड़ियां बिक जाती हैं और वो खुशी खुशी घर लौट आता है और अपनी पत्नी के हाथ में कुछ पैसे रखकर कहता है, सीमा, आज माँ दुर्गा की कृपा से बहुत ही अच्छी कमाई हुई है, उनके मंदिर में प्रसाद चढ़ा देना। जय माँ दुर्गा, बस ऐसे ही बरकत बनाए रखना। उधर ब्रिजपाल ये बात जाके अपने सेठ को बताता है। सेठ जी, सब लोग उस मोहन की दुकान से ही साड़ियां लेते हैं, कहते हैं हमारा माल बेकार होता है। अरे, अब सस्ता माल नहीं बेचूंगा तो मुनाफा कैसे कमाऊंगा है? और तुम सबकी तनख्वाह भी तो निकालनी है। अच्छा, मेरे पास एक उपाय है, जरा इधर कान तोला। सेठ अपने नौकर के कान में कुछ कहता है। वाह सेठ जी, क्या कमाल का दिमाग लगाया है। इधर मोहन शहर से धागे और नए रंग लेके आता है और उन्हें आंगन में ही रख देता है और सीमा से कहता है, सीमा, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। धूप में मैंने धागा और रंग रखा है, खाना खाकर धागे में रंग मिलाऊंगा, तुम जल्दी से पहले खाना लगा दो। आप हाथ मुंह धो लो, मैं परोसती हूँ। सेठ जी अपने नौकर को कहकर चुपके से मोहन के धागे और रंग को अपने धागे और रंग से बदल देता है। इस बात से अनजान मोहन उन धागों से ही साड़ियां बनाता है और बाजार में बेचने बैठ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज एक औरत मोहन के पास आकर कहती है, मोहन भाई, आजकल आपकी साड़ियों की क्वालिटी ना बहुत खराब हो रही है। देखो तो, एक ही धुलाई में रंग फीका पड़ गया। अब मैं कभी आपके यहाँ से साड़ी नहीं लूंगी। अरे बहन जी, यहाँ आइए, हमारी दुकान में दाम भी कम है और क्वालिटी भी इससे काफी अच्छी है। हाँ। फिर सभी ग्राहक उस सेठ की दुकान से ही साड़ियाँ खरीदने लगते और हैं। मोहन बेचारा सारा दिन ऐसे ही बैठा रहता, फिर बिना बोनी हुए ही वापस लौट आता है। क्या बात है जी, सारी साड़ियाँ वैसी की वैसी हैं, बिक्री नहीं हुई क्या? सीमा, सभी कहते हैं कि मेरी साड़ियों का रंग जल्दी निकल जाता है। ये आप क्या कह रहे हैं जी, आज से पहले तो ऐसी शिकायत कभी नहीं आई। कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी इन साड़ियों में लगा दी और मेरे पास तो अब कोई जमा पूंजी भी नहीं बची। इस मुसीबत से अब हमें देवी माँ ही बचा सकती हैं। फिर दोनों जाके हाथ जोड़ के दुर्गा माता के तस्वीर के आगे बैठ गए। हे देवी माँ, मैंने हमेशा सच्चे मन से आपकी भक्ति की है, आज आपके इस भक्त पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। माँ, मेरी रक्षा करो। माँ, अपने भक्त की मदद करो देवी। उससे पहले मुझे उसकी परीक्षा लेनी होगी। ऐसे ही 2 दिन और बीत गए और बहुत तेज बारिश हो रही थी। दुर्गा माई बुढ़िया का भेष धारण कर मोहन के घर आई। घर में सिर्फ 2 ही रोटी का आटा बचा था। एक रोटी सीमा ने मोहन की थाली में रखी और एक अपनी में। वो खाना शुरू करने ही वाले थे कि तभी किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। अंदर आ जाओ माँ जी। फिर वो बुढ़िया अंदर आ गई। आप तो पूरी तरह भीग गई हैं, मैं आपको नई साड़ी ला कर देती हूँ। ये लीजिए, आप ये साड़ी पहन लीजिए, फिर भोजन ग्रहण करिए। वो बुढ़िया नई साड़ी पहन लेती है, साथ ही वो दोनों अपने हिस्से की रोटी भी उस बुढ़िया को दे देते हैं। बारिश रुकते ही वो बुढ़िया वहाँ से जाने को तैयार हो गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। वो बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। उस रात माँ दुर्गा मोहन के सपने में आती है। मोहन, तुम्हारे घर के जो पीछे तालाब है उसके पानी में अपनी साड़ियों को भिगो लो, उनका रंग पक्का हो जाएगा और साड़ी का कपड़ा कभी नहीं फटेगा। साथ ही जो भी उस साड़ी को पहनेगा उसकी सारी बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। फिर सुबह उठकर मोहन वो सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अगर ऐसी बात है तो पहले मैं उस साड़ी को पहनकर देखूंगी, मेरी कमर में जो दर्द रहता है अगर वो ठीक हो गया तो समझो वो बात सच है। मैं अभी उस पानी में अपनी साड़ियों को डुबोता हूँ। तालाब के पानी में साड़ी डुबोने के बाद सीमा उसे सुखाकर जैसे ही पहनती है तो सालों से जो उसकी कमर में दर्द था वो दर्द खत्म हो जाता है। अरे वाह, मेरा सारा दर्द चला गया। जय देवी माँ, तुम्हारी सदा ही जय हो। ये सुनकर मोहन खुश हो जाता है और जल्दी से अपनी सभी साड़ियों को तालाब के पानी में डुबोता है।
और उनको सुखाकर बाजार में बेचने के लिए बैठ जाता है। जादुई साड़ी ले लो, जादुई साड़ी, एक बार पहनकर देखो, शरीर के सारे रोग दूर हो जाएंगे, जादुई साड़ी ले लो। नहीं भैया, आपसे साड़ी लेकर मैं पहले ही परेशान हो चुकी हूँ, और अब तो आप झूठ बोलकर साड़ी बेचने लगे हो। बहन जी, इस बार आप लेकर जाओ, पहले आजमा कर देख लो। अगर साड़ी ने काम नहीं किया तो आप पैसे वापस ले जाना। अच्छा ठीक है, मेरी सास के घुटनों में कई महीनों से दर्द है, वो चल फिर भी नहीं पाती, अगर इसे पहनकर भी उनका दर्द ठीक नहीं हुआ तो पैसे वापस ले जाऊंगी। ठीक है बहन जी। घर आकर वो औरत अपनी सास को वो साड़ी पहनाती है, उसकी सास तुरंत ठीक हो जाती है और यहाँ वहाँ बिना किसी सहारे के चलने लगती है। इसके बाद तो ये बात सारे गांव में फैल गई और सब गांव वाले, यहाँ तक कि दूर दूर के गांव से भी लोग उसके यहाँ की साड़ी लेने आते हैं। सेठ जी, सचमुच में कुछ तो जादू किया है उसने साड़ियों में। अरे पहले तुम उससे एक साड़ी लेकर आओ, पहले हमें वो आजमानी होगी तभी पता चलेगा। ब्रिजपाल फिर उससे साड़ी लेने आया। आखिर तुम्हें भी मेरी साड़ी की जरूरत पड़ गई, ये लो साड़ी और निकालो 1000 रुपए। इतनी महंगी? और नहीं तो क्या, ऐसी जादुई साड़ी 3000 में भी मिले वो भी कम है, जो काम डॉक्टर नहीं कर पा रहे वो ये साड़ी कर देती है। ब्रिजपाल वो साड़ी सेठ जी को लाकर दे देता है। सेठ जी वो साड़ी अपनी पत्नी जो कि कई सालों से कोमा में थी उसे पहनाते हैं। वो झट से उठकर बैठ गई और सबसे बात करने लगती है। सेठ जी मोहन पर नजर रखना शुरू कर देते हैं और वो उसे तालाब का पानी इस्तेमाल करते हुए देख लेते हैं। फिर एक रात उनके सोने के बाद सेठ जी और ब्रिजपाल भी तालाब से पानी निकालते हैं और अपने गोदाम में ले जाते हैं और सभी साड़ियों पर पानी छिड़क देते हैं, लेकिन पानी छिड़कते ही उनके गोदाम में आग लग जाती है। हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया, अरे कोई आग बुझाओ, अरे मैं तो बर्बाद हो गया, अरे मेरा सब कुछ जल गया रे। इस तरह सेठ जी को उसके बुरे कर्मों का फल मिल जाता है और इधर मोहन दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करता है और खूब पैसा कमाता है। सत्तू शरबत वाली और देवी माँ। भरी गर्मियों के दिन चल रहे थे, नींबू पानी वाले, शरबत और बर्फ के गोले वाले अपने अपने ठेले पर काम में लग गए। कुछ देर बाद शारदा भी सत्तू शरबत का ठेला लेकर बाजार में पहुंची। शारदा की एक आदत थी कि वो जब भी वो शरबत शरबत के पहले गिलास कब हो वो देवी माँ की फोटो को जरूर लगाती थी, उसी के बाद वो ग्राहकों को सत्तू शरबत बेचती थी। शारदा बहन, ये क्या तुम रोजाना सत्तू शरबत का भोग देवी माँ की फोटो पर लगाती रहती हो? तुम्हारा सत्तू शरबत कोई नहीं पीने वाला, मेरा नींबू पानी सबसे बढ़िया और स्वादिष्ट है। देखो ये बढ़िया बर्फ डालकर देता हूँ, अभी 10 मिनट भी नहीं हुआ ग्राहक आने भी शुरू हो गए। देखा? कोई बात नहीं भैया, मैं मेहनत करती हूँ, फल देना तो ईश्वर के हाथ में है और देवी माँ को सत्तू शरबत का भोग लगाना मुझे अच्छा लगता है और ऐसा प्रतीत होता है मानो को मुझे अपना आशीर्वाद दे रही। शारदा का पति मजदूरी किया करता था। एक हादसे में उसके पैर पर ईंटें गिर गई थी जिसके कारण उसका सीधा पैर खराब हो गया था और वो अब घर पर ही रहता था। सुनो जी, ये लो तुम्हारी दवाई, लाओ मैं तेल से पैर की मालिश कर देती हूँ। पिंकी, राजू सो गए क्या? हाँ दोनों अभी खाना खाकर सोए हैं। शारदा, ये क्या तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं नहीं, वो तो आंखों में कचरा चला गया था। शारदा, तुम मेरे कारण कितनी परेशानी झेल रही हो, मैं बदनसीब तुम्हें और बच्चों को कोई खुशी नहीं दे पाया। ऐसा मत कहो, अपना मन छोटा मत करो। मुझे अपनी देवी माँ पर पूरा विश्वास है, एक न एक दिन वो हमारी पुकार जरूर सुनेंगे, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। कहते हैं जहाँ आस होती है वहीं विश्वास भी होता है, शारदा देवी माँ पर बहुत विश्वास करती थी। वो दिन रात देवी माँ की पूजा करती और अपने घर परिवार की सुख शांति की कामना करती। बच्चों और पति की जिम्मेदारी शारदा के ऊपर ही थी, इसलिए वो सत्तू शरबत का ठेला लगाकर थोड़े बहुत पैसे कमाकर घर चला रही थी। एक दिन शारदा बहुत परेशान और उदास थी। क्या करूं, आज तो एक गिलास भी नहीं बिका, लगता है मुझे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। क्यों शारदा बहन, आज बहुत जल्दी घर जा रही हो, लगता है आज सत्तू शरबत का एक भी गिलास नहीं बिका है। अब क्या करूंगी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर का गुजारा कैसे होगा? समझ नहीं आ रहा है, हे देवी मैया मैं क्या करूं, घर वापस चली जाती हूं। बेटे, बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मुझे ये नींबू पानी पिला सकते हो? पैसे हैं तुम्हारे पास तो बना देता हूँ। बेटा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, हाँ ये कमल का फूल है, अगर इसके बदले में तुम मुझे एक गिलास नींबू पानी पिला दो तो मुझ बुढ़िया की प्यास बुझ जाएगी। ओ अम्मा, यहाँ कोई खैरात नहीं बट रही है, ठीक है जो मैं तुमसे पैसे लिया बिना मुफ्त में ही नींबू पानी पिला दूं। न जाने तुम जैसे कितने गरीब भिखारी रोज मेरे ठेले पर आते हैं यहाँ पर ऐसी बहाना करते हैं, तुम्हारे इस कमल के फूल की क्या कीमत जो मैं इसके बदले तुम्हें नींबू पानी पिला दूं? उस नींबू पानी वाले के मना करने के बाद घर की ओर जाती शारदा के पीछे जाती है और उसे आवाज लगाती है। बेटी जरा रुकना। क्या हुआ अम्मा, आपने मुझे आवाज लगाई? बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मुझे सत्तू शरबत पिला सकती हो? पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए इस कमल के फूल के सिवा कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं अम्मा, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप रुको मैं आपको सत्तू शरबत बना कर देती। शारदा उस बूढ़ी औरत को शरबत बना कर देती। बूढ़ी अम्मा शरबत को बहुत स्वाद लेकर पीती जाती। अम्मा और सत्तू बनाओ। बस बेटी और नहीं,
तेरे सेवा भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहते ही वो बूढ़ी औरत देवी माँ का रूप ले लेती है। देवी माँ, आप और बूढ़ी अम्मा के रूप में? हाँ बेटी, तू रोजाना सुबह मुझे सत्तू शरबत का भोग लगाती है। मैं तेरा सेवा भाव देखकर तेरी परीक्षा लेने आई थी और तू परीक्षा में सफल हो गई। मैं तो तेरे लिए एक असहाय अम्मा थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर भी तूने मुझे शरबत पिलाया। और जो मनुष्य असहाय और मजबूर लोगों की मदद करते हैं, उन पर मेरी कृपा अवश्य होती है। बेटी, अब तो निराश मत होना, तेरे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये कमल का फूल मेरा आशीर्वाद समझकर अपने पास रखना। देवी माँ, आपका आशीर्वाद मिल गया, मेरा जीवन सफल हो गया माँ। देवी माँ की कृपा होने से शारदा के जीवन के सारे दुख दूर हो गए। कुछ दिनों बाद शारदा के पति का पैर भी ठीक हो गया। दोनों ने मिलकर मेहनत से सत्तू शरबत के ठेले को दुकान में बदल लिया। शारदा देवी माँ के दिए उस कमल के फूल की रोजाना पूजा करती थी और आज भी वो सत्तू शरबत का पहला भोग देवी माँ को लगाना नहीं भूलती थी। और फिर धीरे धीरे उसके जीवन के सारे दुख दूर हो गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कॉमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।